इसमें यह है जनाब, कोई माकूल जज है और कोई नहीं है, और मैंने ये कहा है कि मैं सदर अभी मौजूदा बन चुका, मैंने कहा ना मैं कहीं नौकरी पे अप्लाई करूंगा, ना मैं कहीं एडवाइजरशिप पे जाऊंगा, कहीं नहीं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज आ जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को एक्सटेंड करें, इंसाफ दे दे। अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैंने पहला अर्ज किया ना मजहबी जमातों की तरह हम हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, न सियासी पार्टियों की तरह हम गाली दे सकते हैं, क्योंकि काला कोट पहना हुआ है। हम जाएंगे उसी सुप्रीम कोर्ट तक, हम कहेंगे आपने मेहरबानी करके फैसला तो दिया था, अब इम्प्लीमेंट भी करें, अब आपके फैसले को फेंक के ये हो रहा है। पर हमारा इतराज कोई पर्सनल कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारे वकला और जज साहिबान जो गिलगित बल्तिस्तान में है वो इनसे बेहतर कम्पिटेंट है, और हमारी जुडिशरी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के वकला और जजिस को ही चलाने दिया जाए तो वो बेहतर है। तो ये इम्पोर्टेड जो जज साहिबान होते हैं या वकला जो उधर से आते हैं, उनका पास प्रैक्टिस जो है वो हमारा अच्छा नहीं रहा। जैसे शमीम साहब आए थे और एक और जज थे राणा अरशद साहब, इनकी कोई अच्छी सी डिलीवरी नहीं हुई, या उधर से कोई सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज अगर दे दे तो हमें हो सकता है एक्सेप्टेबल हो, लेकिन जो वकला उधर से आते हैं उनसे हमारे यहाँ अच्छे वकला हैं, और इवन हमारी जुडिशरी से एलिवेट करके चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। इसलिए हमारी रिजर्वेशन है जो वहाँ से, और खुसूसन जो सियासी इंडक्शन होती है, और इसकी जो समरी गई है वो सियासी तौर पर गई है, और जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेटल किया था जुडिशियल कौंसल के जरिए जो इंडक्शन हो रही थी उस तरीके से नहीं किया, एक सबसे बड़ा इतराज हमारा यही है। नहीं, एक तो मीडिया में आया है कुछ हमारे जो ज़राए हैं ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया है, इस जो चीफ जज के लिए जो नाम जा रहा है उसकी अप्रूवल दिया है। इसी वजह से पूरे दियामर में 3 दिन से हड़ताल है, रोड ब्लॉक है, और ये चूंकि आपको शायद नोटिस में होगा, ये पहले नवाज शरीफ दौर में भी इसका नाम एक दफ़ा आया था, उस वक्त भी हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, और ये तीसरा जज हमारा जो मरहूम शहबाज साहब की जगह लाने के लिए इसका नाम गया था। ये कैप्टन सप्टर के हवाले से बात चल रही थी जनाब, ये उसका जनाब कोई आदमी है उसकी बुनियाद पर वो उसको ले रहे हैं जज, तो उस वक्त भी हमने प्रोटेस्ट किया था, उसको कंडम किया था। जो जजेस अब तक आए हैं ना यहाँ सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में बाहर से, वो ये समझ के यहाँ पे भेजे गए कि जनाब ये यहाँ के लोग शायद इस एल नहीं हैं, लिहाजा इधर से दे दो ताकि उनके जुडिशल सिस्टम ठीक हो चले और वहाँ पे इंसाफ सही मिले। चीफ कोर्ट तक जब मुकामी जजेस हैं तो उस बड़ी अदालत को भी यहाँ के वकला और जजेस संभाल सकते हैं, और बेहतर निज़ाम होगा, बेहतर इससे इन बाहर से भेजने से बेहतर यहाँ कर लिया जाए। एक प्री कंडीशन भी फुलफिल नहीं करते, एक तो या तो ये कोई रिटायर्ड जज नहीं है, चलो सुप्रीम कोर्ट कहने से हाई कोर्ट का होता सीनियर कोई रिटायर्ड जज, वो भी नहीं है, और यहाँ तक कि ये कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर भी नहीं है।